वेलकम स्टूडेंट, आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक और कारक में आज हम बात कर रहे हैं अपादान। अपादान से पंचमी विभक्ति, मतलब इससे जो वाक्य बनेगा उस वाक्य का जब हम हिंदी निकालेंगे तो उसके अर्थ में से भी आएगा और उसमें हम कौन सी विभक्ति यूज करेंगे, पंचमी विभक्ति। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, छात्र विद्यालय आगच्छति, तो छात्र विद्यालय, तो उसमें विद्यालय में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी विभक्ति। तो क्या लिखोगे, लिखोगे छात्र विद्यालय से आगच्छति। आगच्छति का मतलब होता है आता है, ताकि लिखोगे छात्र विद्यालय से आता है। सेकंड देखो, वृक्षा कलम पतति, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो पंचमी विभक्ति किस शब्द में यूज आ रही है, वृक्षात में, किसमें आ रही है, वृक्षात में। तो वृक्षात कहेंगे वृक्ष से, फलम फल, पतति मीन्स होता है गिरना, तो वृक्ष से फल गिरता है। नेक्स्ट थर्ड, कृषिक ग्रामा आगच्छति, तो इसमें पंचमी विभक्ति यूज आ रही है ग्रामात में, तो ग्रामात को क्या लिखेंगे, गांव से, तो हो जाएगा कृषिक किसान, तो किसान गांव से आगच्छति मीन्स आता है, तो किसान गांव से आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संबंध, संबंध जिसका देखो का के की, और इसमें जो विभक्ति यूज आती है वो कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। तो इसके हम वाक्य देखते हैं, पहला देखिए कृष्णस्य सम उद्दिष्टः नास्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति यूज आई है कृष्ण से, किसमें आई है, कृष्ण से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कृष्ण के, सम मीन्स समान, उपदेशक मतलब उपदेश, नास्ति नास्ति मीन्स होता है नहीं, तो कृष्ण के समान उपदेश नहीं है। सेकंड वाक्य देखिए, सीता गीताया तुल्य अस्ति, जिसमें षष्ठी विभक्ति यूज आ रही है गीता या में, ये गीता या बहुवचन का है, ठीक है, तो इसमें ये एक वचन का ही है, ये स्त्रीलिंग में ऐसे लिखते हैं गीता या, और पुल्लिंग में शय लगता है, इसलिए कृष्ण से लिखा है, जबकि यहाँ गीता ऐसे लिखा है क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप, तो सीता गीता या तुल्य अस्ति, सीता गीता या क्योंकि गीता के, तो सीता गीता के तुल्य इधर लिखेंगे नास्ति मतलब नहीं है, तो सीता गीता के तुल्य नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, अर्जुन कर्णस्य सदृश वीर अस्ति, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति यूज आ रही है कर्णस्य में, तो हम लिखेंगे अर्जुन को, अर्जुन देखिए कर्णस्य में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए